इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। बहराइच शहर के इमामगंज पलरी बाग मार्ग पर जबरदस्त जल भराव की तस्वीरें देखें। यही हाल बख्शीपुरा, घसियारीपुरा, रायपुर राजा, हमजापुरा, सोफीपुरा, शेखद हीर सहित अन्य मोहल्ले का है। घसियारीपुरा का हाल तो जग जाहिर है। समाज सेवी दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि लगातार सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चला रहे हैं। हर मोहल्ले की तस्वीरें व वीडियोज ट्विटर पर फेसबुक के माध्यम से जनता तक पहुंच रहे हैं। वह ट्विटर के माध्यम से प्रशासन, विधायक, सांसद, नगर पालिका अध्यक्ष, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री तक बहराइच के जल भराव के मुद्दों को उठा रहे हैं। दीपक श्रीवास्तव ने बताया 2019 चुनाव के पहले सांसद अक्षयवर लाल गौड़ जी ने बहराइच शहर को सिवर लाइन व विधायक श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी ने मंत्री रहते हुए 35 करोड़ के ड्रेनेज सिस्टम का वादा किया था, जो कि दोनों वादे अभी भी दोबारा सरकार बनने के बाद पूरे नहीं किए गए हैं। अगर वादे पूरे किए जाते तो बहराइच खुशहाल होता। पिछले साल मुख्यमंत्री योगी जी के बहराइच जल भराव को मुक्त किए जाने को लेकर ट्वीट किया गया था। शासन व प्रशासन, विधायक, सांसद व योगी जी के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। दीपक श्रीवास्तव ने बहराइच के युवाओं को जागरूक कर बहराइच की आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे आगामी चुनाव में जनता मुद्दों पर वोट करे। जब प्रत्याशी वोट मांगने आए तो जनता पलट कर प्रश्न करे कि सांसद जी बहराइच के सीवर लाइन के वादे का क्या हुआ, वादे पूरे क्यों नहीं हुए, हम दोबारा आपको वोट क्यों करें। अगर विधायक वोट मांगने आए तो लोग प्रश्न करें 35 करोड़ का ड्रेनेज सिस्टम कहां, 6 साल बाद भी नहीं बना, हम आपको व आपकी पार्टी को वोट क्यों दें। दीपक श्रीवास्तव ने बताया लगातार शहर की समस्याओं को ट्वीट के माध्यम से लोगों तक व शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। यह आंदोलन सोशल मीडिया के माध्यम से चलता रहेगा। दीपक श्रीवास्तव ने बहराइच के युवाओं से आह्वान किया कि ट्विटर पर सांसद अक्षयवर लाल गौड़ @AkshayBarJ को टैग कर सिवर लाइन के वादे व विधायक अनुपमा जायसवाल @AnupamJSBJPJ को टैग कर 35 करोड़ के ड्रेनेज सिस्टम के वादे को पूरा न होने पर विधायक जी व सांसद जी से प्रश्न करें। जब तक युवा जागरूक नागरिक बनकर नेता से किए गए वादों पर प्रश्न नहीं करेगा, सुधार संभव नहीं। इंडियन टीवी न्यूज से जितेंद्र बहादुर की रिपोर्ट। मंसाबली कहाँ के रहने वाले हैं? इमामगंज पलीबाग। पानी का समाधान, मतलब पानी भरा हुआ कई महीना से, और कई अधिकारी आए भी लेकिन कोई सुनवाई नहीं के कोई, और कहा भी गया। कितने महीनों से भरा हुआ है? कम से कम 8-10 महीना हो गया ये पानी भरा है। अधिकारियों से कहा था? अधिकारियों से आए, अधिकारी मौके देखी और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों भरा हुआ है, कारण क्या है आखिर? कारण क्या, उधर जो थोड़ा सा खलार है चारमारी की तरफ, उधर पानी नहीं जाने देते, उधर के लोग भाग हैं तो बांध देते हैं। हाँ, कर्रे आदमी हैं वो बांध देते हैं। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।